हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं रोली। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीरा किचन में। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी पनीर का पराठा बनाना बताऊंगी, जो सबको पसंद आता है, बच्चों बड़ों सबको। तो चलिए बताते हैं स्वादिष्ट पनीर के पराठे को मैं घर पर कैसे बनाई हूं। तो सबसे पहले यहां पर मैं 2 कटोरी आटा ले ली हूँ। उसमें अजवाइन क्रश करके डालूँगी, स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। मोयन के लिए मैं यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस, तो ये देखिए, आप मोयन लगा लीजिए। मैं 3 चम्मच लगभग इसमें घी डाली हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो ये देखिए मैं 1 चम्मच और डाल दी हूँ। यहाँ पर मैं दे रही हूँ कि देसी घी का मोयन लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे घर में रिफाइंड ऑयल बहुत ही रेयरली इस्तेमाल होता है, तो इसलिए अक्सर घर में रहता ही नहीं। हम लोग या तो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर देसी घी भी, वो भी जो हम लोग घी का मतलब मलाई इकट्ठा करके बनाते हैं वो रहता है, और सरसों का तेल हमारे घर का रहता है, तो इसलिए हम रिफाइंड की जगह देसी घी का मोयन दे रहे हैं। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप रिफाइंड ऑयल का मोयन दे सकते हैं। तो ये देखिए, पनीर लगभग 50 ग्राम है। इसको मैं अच्छे से छान इसलिए ली क्योंकि इसका में जो भी पानी है वो सब निकल जाए। बस यहाँ पर 2 बारीक कटी हुई प्याज डाल दे रहे हैं। प्याज को बहुत बारीक काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1/2 चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल दे रही हूँ। अजवाइन का फ्लेवर पनीर के पराठे में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। धनिया एक अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा। तो धनिया में डाल दिए, स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल वाला पनीर का पराठा बनाऊँगी, जिसमें सिर्फ 1/4 चम्मच मसाले में काली मिर्च डाली हूँ, 1/4 चम्मच। बाकी मैं और कोई मसाला जैसे धनिया, पिसी हुई धनिया, ये सब नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये सिंपल वाला ना बहुत ही टेस्टी होता है, और बिल्कुल मतलब इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ज़्यादा मसाला वसाला मिला देते हैं तो फिर समझ में नहीं आता पनीर का पराठा खाना है किसका। तो आज तो मैं फ़िलहाल सिंपल ही बना रही हूँ, जो हमारे घर में अक्सर बनता है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस आप ऐसे छोटी सी चकई लीजिए और उसे ऐसे बेल कर उसमें भर लीजिए। देखिए, पनीर के पराठे में अगर आप फिलिंग को बहुत ज़्यादा भरेंगे तब 1-2 पराठा शुरुआत में आपसे फट सकता है, और आप नॉर्मल भरेंगे तो नहीं फटेगा। तो ये देखिए, आप इसे भर कर ऐसे दबा लीजिए और हाथ से ही ऐसे राउंड राउंड कर लीजिए जितना फैला पाइए। इसे फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और प्यार से हल्के हाथ बेलिए, बहुत दबा के मत बेलिएगा, नहीं तो देखिए निकलने लगता है। क्योंकि मैं 2 चम्मच फिलिंग भरी हूँ और पर्याप्त भरी हूँ, मतलब जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में मत भरिएगा, नहीं बहुत ज़्यादा फट जाता है तो फिर देखने में नहीं अच्छा लगता, थोड़ा बहुत फटेगा तो चलेगा। तो ये देखिए, पनीर का पराठा बेलकर रेडी कर दी हूँ। यहाँ पर मैं तवा को पहले ही तेल से ग्रीश कर दी थी, क्योंकि अगर ग्रीश नहीं रहता है तो पनीर का पराठा चिपक जाता है, तो मैं पहले से ही तेल से ग्रीश कर दी थी। और तो ये देखिए, उलट पलट कर मैं यहाँ पर सरसों के तेल में पराठा सेक ले रही हूँ। आप चाहें तो बटर या घी में सेक सकते हैं। ऑलरेडी मैं घी का मोयन दी थी, तो इसलिए मैं यहाँ तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप रिफाइंड ऑयल का मोयन दीजिए तो यहाँ पर बटर या घी इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस उलट पुलट कर आप इसे सेक लीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठा बनकर रेडी हो जाता है। आप बच्चों के टिफ़िन भी दे सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो यहाँ पर आपको दूसरा पराठा भी बनाकर दिखा रही हूँ सेम स्टाइल से। तो ये देखिए, इसको भी ऐसे ऐसे मोड़ कर फोल्ड कर दीजिए सेम स्टाइल से। आप इसे भी बेल लीजिए। बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन बहुत टेस्टी पराठा बनकर तैयार होता है। अगर आप मसाले वाला पराठा हमेशा ट्राई करते रहे हों तो एक बार इस सिंपल तरीके वाले पराठे को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस आप ऐसे बेल लीजिए। अब मैं आपको इस पराठे को भी सेक कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं दूसरा पराठा भी सेक रही हूँ। आप इसे
चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, अचार के साथ या फिर टमाटो सॉस के साथ इंजॉय करें, बहुत टेस्टी लगता है। मार्केट में कितना महंगा मिलता है, लेकिन आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से ढेर सारा पराठा बना सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर बहुत सारे तरीके के पराठे की रेसिपी है, अचार की रेसिपी है, चटनी की रेसिपी है, आप उन सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको नए नए तरीके की चटनी, अचार, पराठे बनाने में हेल्प मिलेंगे और आप अपनी फैमिली के लिए नए नए पराठे, चटनी और अचार बनाएं और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें। इस पराठे को, बहुत ही सिंपल तरीके के पराठे को एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।